अवेरी वम वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से बी एल आई सी एल आएस एम एल एस कर रहे हैं कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट थ्री को इंडेक्सिंग लैंग्वेज पार्ट टू है इससे पहले पार्ट वन जो है वो यूनिट टू में कवर कराया था जो कि पार्ट है ब्लॉक वन का और ये पार्ट है एम एल आई आई वन जीरो टू का क्लासिफिकेशन स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव जिसमें डी डी सी जितने भी क्लासिफिकेशन स्कीम है सारे हम यहाँ पढ़ने पढ़ेंगे डी डी सी यू डी सी 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 कोलन क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन एंड मैनी अदर थिंग्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव लर्न अबाउट इंडेक्सिंग लैंग्वेज हमने इंडेक्सिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक वे वेयर यू हैव ऑल्सो कम टू नो अबाउट द क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में भी हमने यहाँ पे देखा एज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अ फ्यू क्लासिफिकेशन स्कीम यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलरली यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम विच आर अवेलेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी उसके अलावा हम क्या यहाँ पे देखेंगे नो द मेजर जो एग्जिस्टिंग जनरल क्लासिफिकेशन स्कीम है वो अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर मेन क्लास नोटेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर और लिमिटेशन एंड प्रॉब्लम्स अंडरस्टू देयर हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लाइब्रे टू द साइंस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या बी इन पोजिशन टू चूज अ सूटेबल क्लासिफिकेशन स्कीम इन इन योर लाइब्रेरी अंडरस्टैंड कर पाएंगे स्पेशल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है माइक्रो सब्जेक्ट का स्पेशलाइज फॉर्म में हैव अ कीप हैव अ पीप इन टू द स्टेट ऑफ द आर्ट्स इन द इन द फिल द फोरकास्ट फीचर ट्रेंड्स तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला डिवेड डेसिमल क्लासिफिकेशन डी डी सी वेरी इंपॉर्टेंट द फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर जनरल क्लासिफिकेशन जो स्कीम है नाव फर्स्ट पब्लिश इन नाइनटीन एटीन सेवेंटी सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है सारे ही क्लासिफिकेशन स्कीम है इंपॉर्टेंट है तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा हम एम एम्पसाइज करेंगे तो सबसे पहला डी डी सी जो है पब्लिश हुआ था एटीन सेवेंटी सिक्स के में बाय मेलवी के द्वारा द सिस्टम डिवाइडेड द एंटायर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इंटू टेन मेन क्लास टेन मेन क्लास में इन्होंने डिवाइड कर दिया था सारे सिस्टम को वो हमने ऑलरेडी कवर करा दिए है टेन मेन क्लास जीरो 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 से लेके नाइन जीरो जीरो तक गया था डिनोटेड बाई प्योर एंड सिंपल नोटेशन इनको प्योर और सिंपल नोटेशन के द्वारा डिनोट किया गया था ऑफ इंडो अरेबिक में जो न्यूमरल्स नु, नु, यूज़ किए गए थे डेसी मली uh, uh, डेसिमल नोटेशन हेल्प इन इन न्यू सब्जेक्ट डिफरेंटली एट एनी पॉइंट इन दरारकी पोजिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिलेटिव नॉट फिक्स जो डॉक्यूमेंट की पोजिशन है वो रिलेटिव है फिक्स नहीं है इन अदर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिलेटिव इंडेक्स जो दूसरा है यहाँ पे वो रिलेटिव इंडेक्स है ये सारे हमने डिस्कस किए हैं एंड द डिविजन ऑफ नॉलेज बाय डिसिप्लिन और उसका डिवीजन हो है नॉलेज का डिसिप्लिन में इट इज़ अवेलेबल इन थ्री फिक्स ऑफिशियल वर्जन ऑफ वेरिंग डिटेल नेम जैसे जो एडिशन हो गया डीडीसी का वो हो गया 2022 एडिशन डीडीसी 14 हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो कि वेब uh, वेब डी डि, बोलते हैं यू हैव ऑलरेडी स्टडी डी डी सी इन योर बी एल एस में हमने पढ़ाया था और पढ़ा भी था आप लोगों ने हेयर वी विल बी डिस्कसिंग ओनली द चेंज विच हैव टेकन प्लेस सिंस डी डी सी नाइन्टीन तो डी डी सी नाइनटीन में जो चेंजेस जो है जो हुए हैं वो वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं तो न्यू एडिशन डी डी सी ट्वेंटी टू यू हैव ऑलरेडी स्टडी द डी डी सी नाइनटीन एडिशन इन बी एल आई एस में हमने पढ़ा था द डी डी सी इज़ नाउ इन ट्वेंटी टू एडिशन पब्लिश इन सेप्टेम्बर दो हज़ार तीन में पब्लिश हुआ था उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे देखिए इनके वॉल्यूम्स जो है हमने पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन टेबल वॉल्यूम वन है वॉलीम टू एंड थ्री जो है वो शेड्यूल्स है। हैं वालीम फ़ोर है रिलेटिव इंडेक्स इसको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है और वन आफ्टर अनदर सारी चीज़ों को मैंने कवर कराया है तो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं चेंज इन डी डी सी ट्वेंटी टू डी डी सी ट्वेंटी टू टू थाउजेंड थ्री में आया था वॉज हैज बीन बिट्स जो कन्वर्टिव हैिविजन हेज नो डायरेक्टिव चेंज हैज बीन मेड और अर्लियर सो कॉल्ड जो फोनिक्स शेड्यूल हैडिड Neither less, it has इट हैव मैनी अपडेट्स इसके बहुत सारे अपडेट आए हैं चेंजेस इन देयर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ मैनी ओल्ड जो टॉपिक्स है उसको भी यहाँ पे अलॉन्ग विद अ फ्यू स्ट्रक्चरल चेंजेस में यहाँ पे देखा गया है बहुत सारी जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया रिलीजियस रिलीजन फादर डिडक्ट हो गया क्रिश्चियनिटी बेस मतलब इसको भी मतलब फादर जो चीज़ें हैं उसको ऐड किया गया और भी चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं उसके अलावा यहाँ पे डी वे वेब की बात करें तो ये भी देख लेते क्या है डी वे डी वे फॉर विंडो डी वे फॉर विंडो सी डी रोम हो गया वर्जन में ऑफ डी डी सी ट्वेंटी वन इज़ नो मोर अवेलेबल अभी इसकी अवेलेबल नहीं है फॉर डी डी सी ट्वेंटी टू इंस्टॉल जो इंस्टॉल है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कॉल डि वे वेब जो इंस्टॉल वर्जन है डी डी सी का वो डी वे वेब बोला जाता है कैन नाउ बी एक्सेस ओनली ऑन द इंटरनेट जिसको आप इंटरनेट पे यूज कर मतलब एक्सेस कर सकते हैं बीइंग वेब बेस एनहैंस वर्जन ऑफ डीडीसी 22 डेटाबेस, इट कंटेन मैनी मोर इनोवेटिव फीचर इसमें काफ़ी सारे इनोवेटिव फ़ीचर हैं पॉइंट है डिस्प्ले करने के लिए ऑप्शन है एंड मैनी थिंग यहाँ पे पॉपुलैरिटी एंड प्रॉब्लम्स एज फार एज एज़ फार एज इट्स डिफिक आर कंसर्न द डीडी सी जो है इस एवर इज शेडल्ड विदल्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ सिंपल एंड प्रिविटिव नोटेशन की यहाँ पर प्रॉब्लम्स में देखने को मिलती है सब्जेक्ट एट प्रॉपर प्लेस हो गया लार्जली क्लास नंबर हो गया वेस्टर्न बेस हो गया डिस्पाइट इट्स डिफिक डिफेक्ट एंड हैवी जो क्रिटिसिजम है इट कॉन्टीन्यू टू बी द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ये मतलब बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसको यहाँ पे सिस्टम यूज इन ट्वेंटी थाउजेंट लाइब्रेरी ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंट लाइब्रेरी में यूज होती है वन थर्टी फाइव कंट्रीज़ में इन यू एस ए नाइन्टी परसेंट ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एक्डमिक लाइब्रेरी एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी वो इसको यूज़ करती हैं इंडिया में भी बहुत यूज़ होती हैं हम इवन हम डी uh, डी सी चीज़ें पढ़ते भी हैं तो अब आता है टू टू सेवन में आपने पढ़ा होगा लाइब्रेरी बी एल आई एस में अब आता है यू डी सी यूनिवर्सल डेसीमल क्लासिफिकेशन यू डी सी स्कीम द यूनिवर्सल डेसीमल क्लासिफिकेशन इज़ अ वर्ल्ड वाइड पॉपुलर जनरल क्लासिफिकेशन स्कीम ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर जनरल है क्लासिफिकेशन स्कीम की कन्वेइंग ऑल फील्ड ऑफ नॉलेज जो हर फील्ड के नॉलेज को कन्वे करता है इट इज़ एन एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम वेयर द कॉन्सेप्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल कॉन्सेप्ट में ब्रोकन, ने ब्रोकन किया जाता है एंड हैज बीन कम्बाइंड द यू डी सी कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स ये डिफरेंट कॉन्टेक्स में अप्लाई किया जाता है डेट मेक इट मोर फ्लैक्सीबल दैन अदर जनरल क्लासिफिकेशन स्कीम अगर उसको अदर जनरल स्कीम से देखें तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द सोफेस्टिकेटेड इंडेक्सिंग एंड रिट्रीवल टूल ये सोफेस्टिकेटेड और इंडेक्सिंग रिट्रीवल टूल है फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज में बैकग्राउंड की देखें तो बैकग्राउंड आप लोग देख लेना इसको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है द यू डी सी कंसोटियम प्रजेंटली यू डी सी यू डी सी इज़ ओन्ड बाई द यू डी सी कंसोटियम जो यू डी सी है वो यू डी सी कंसोटियम के द्वारा ओन किया जाता है सिंस जनवरी दो हज़ार सॉरी जनवरी नाइनटीन नाइन्टी टू से द यू डी सी मेनटेन मिड लिंग्विस्टिक जो मास्टर रेफरेंस है फाइल इसके द्वारा विच इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ यू डी सी शेड्यूल ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो डेटा बेस हेल्ड करके रखता है यू डी सी की एनुअल जनरल आता है नेम है इसका एक्सटेंशन एंड करेक्शन ऑफ द यू डी सी उसके अलावा इंग्लिश एडिशन है यू डी सी का जिसमें ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंट्टीटूट है इंस्टीट्यूशन yeah, है स्टार्टेड पब्लिशिंग यू डी सी इंग्लिश एडिशन उसके बाद में है यहाँ पे द यू डी सी कम्प्लीट जो एडिशन है फिर यू डी सी मीडियम एडिशन है यू डी सी कम्प्लीट एडिशन में देखते हैं कम्प्लीट एडिशन में होता है टू थाउजेंड फाइव कंटेन इतना इसमें सिक्सटी फाइव थाउजेंड जो एंट्रीज़ uh, होती हैं इसमें अवेलेबल है जो टू वॉली में अवेलेबल है वॉलीम वन है सिस्टम टेबल एंड वॉलीम टू है अल्फाबेटिकल टेबल्स फिर यू डी सी मीडियम जो एडिशन है इसमें आपको देखने को मिलेगा वॉज पब्लिश इन नाइनटीन एटी फाइव एंड रिवाइज इन नाइनटीन तो ज़्यादातर इसमें ना फैक्चुअल चीज़ें इसमें भी दो वॉल्यूम हैं वॉल्यूम जो वन है वो सिस्टमेटिक टेबल है वॉल्यूम टू है अल्फाबेटिकल इंडेक्स है फिर यूडीसी डी uh, एडिशन है इसको आप देखना यूडीसी uh, ऑनलाइन ही तो आपको ऊपर बता भी दिया हमने द यू ऑनलाइन इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ऑफ़ यू कंप्लीट एडिशन दिस इज़ सब्सक्रिप्शन बेस्ड है एंड हैज़ एडिशनल फ्रिक्वेंस जो फंक्शनलिटी है इसमें कुछ एडेड हुए हैं फीचर एंड स्ट्रक्चर की बात करें यू डी सी का तो द यू डी सी इज़ अ हेरकल एंड अस्टेमेटिक स्कीम ये हेरारकिकल और एक सिस्टमेटिक स्कीम है जो क्लासीफाई करता है डॉक्यूमेंट को कवरिंग द होल रेंज ऑफ रिकॉर्डेड नॉलेज जिसमें सारे रेंज ऑफ रिकॉर्डेड नॉलेज है उसको कवर करता है द मेन टेबल टेबल्स कंसिस्ट ऑफ Uh, enumerated schedule फॉर सिंपल और बेसिक सब्जेक्ट The UDC has many features, मैनी इसके बहुत सारे फीचर हैं which are innovative and unique in nature, जो इनोवेटिव है और अलग ही है नेचर मतलब अपने आप में It is ability to express not just simple subject but also compound subject, ये सिंपल सब्जेक्ट को ही नहीं बट कम्पाउंड सब्जेक्ट को भी मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन करता है एक्सप्रेस करता है शोइंग रिलेशन बिटवीन दैम लाइक डी डी सी नॉलेज इज़ डिवाइडेड इंटू टेन क्लास नॉलेज जो है दस क्लास में डिवाइड किया गया है ईच क्लास इज़ सब डिवाइडेड सिस्टेमेटिकली इंटू फर्दर डिवीजन उनको भी फर्दर डिवीज़न में डिवाइड कर रखा है इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है तो आ, उस और वो आपको मिलेगा टू टू सेवन वाले ब्लॉक में उसके अलावा जो यू डी सी है इज़ अ एस्पेक्ट क्लासिफिकेशन है हेयर फिना एंड सबॉर्डिनेट टू द यहाँ पे एस्पेक्ट फ्रॉम विच दे दे हैव बीन टेकन इस फिनमस जो फिनमा है मे अकर इन मोर जो बिजनेस प्रोसेस है इसमें इन द यू डी सी ऑल जो रिकॉर्डेड नॉलेज है इज ट्रीटेड एज द कोहरेंट सिस्टम ये कोहरेंट सिस्टम में ट्रीट किया जाता है वेयर विच इज बिल्ड टू रिलेटेड पार्ट जो इससे रिलेटेड पार्ट में है द प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट एनालिसिस थ्रू दो दे आर नाट एक्सप्लिसिड और इनहेरेंट इन द स्ट्रक्चर नोटेशन की बात करें तो यू डी सी यूज अ नोटेशन ऑफ मोस्टली इंडो अरेबिक ने नंबर में यूज करता है यूजली डेसीमली जो सप्लीमेंटेड जो है बाई साइन एंड सिम्बल उसमें देखने को मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ़ यूडीसी की बात करें वॉल्यूम वन है डीडीसी मीडियम एडिशन कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक टेबल होता है मेन टेबल एंड ऑक्सिलरी टेबल तो मेन टेबल में आपको ये देखने को मिलेगा जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जीरो 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 से लेके जंडेलिया होता है और लास्ट में नाइन पे आके आपको आर्कोलॉजिकल जोग्राफी बायोलॉजी एंड हिस्ट्री आ जाता है तो ये यह पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है द मेन क्लास को फर्दर इन्होंने डिवाइड कर रखा है द मेन क्लास इज डिवाइडेड इनटू इनटू इट्स लॉजिकल पार्ट्स विच विद ईच सब डिवीजन फर्दर सब डिवाइडेड वो फिर से फर्दर सब डिवाइडेड हुए हैं द मोर डिटेल एंड सब डिवीजन द लॉन्गर द नंबर डेट रिप्रजेंट इट तो इसमें फिर जैसे कि मान लीजिए है थ्री तो सोशल साइंस है थर्टी सेवन है एजुकेशन ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेजर थ्री सेवन एट है यहाँ पे हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एकेडमी तो इस तरीके से सारा डिवीजन कर रखा है ऑक्सिलरी टेबल अब ऑक्सिलरी टेबल इन यूडीसी आर ऑफ टू काइंड ये भी दो तरह के होते हैं कॉमन एंड स्पेशल कॉमन ऑक्सिलरी टेबल और स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल द कॉमन ऑक्सिलरी रेफर्स टू जनरली रिक्रूटेड जो कैरेक्टरिस्टिक है लाइक लाइक टाइम लैंग्वेज एक्सेट्रा द स्पेशल ऑक्सिलरी डिवीजन रेफर्स टू लोकली रिक्रूटेड कैरेक्टरिस्टिक जो लोकली रिक्रूटेड कैरेक्टरिस्टिक है उसमें वो आते हैं द कॉमन ऑक्सिलरी टेबल प्रोवाइड नोटेशन फॉर रिलेशनशिप और रिकरिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको द कॉमन ऑक्सिलरी सब डिवीजन कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल टेबल हो गया इन विच कॉन्सेप्ट आर इन्यूमरेटेड एंड अरेंज हैरार कली तो उनको एक हैर की कली में मतलब अरेंज किया गया है टेबल वन है को एडिशन है ये एक बार आप लोग तो देख लेना ये ऐसे कुछ करके डिवाइज किया गया है टेबल uh, यहाँ पे आई भी है रिलेशन सब ग्रुपिंग ऑर्डर ऑर्डर फिक्सिंग है ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है सिर्फ आपको समझने के लिए है टेबल आई सी है कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज के बारे में बता रहा है टेबल आई डी है कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ फॉर्म फिर टेबल आई ई है कॉमन ऑक्जलरी ऑफ प्लेस फिर टेबल आई एफ है कॉमन ऑक्जलरी ऑफ एथनिक ग्रुप है एंड नेशनैलिटी है कॉमन आई जी है सॉरी टेबल आई है यहाँ पे कॉमन ऑक्जलरी ऑफ टाइम बताता है इसमें लाइक ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी सिंस साइंस इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इवनिंग तो ये सारी चीज़ें बताता है टेबल आई एच है स्पेसिफिकेशन बाई नॉन डी डी सी नोटेशन कॉमन ऑगजलरी ऑफ पॉइंट व्यू फिर उसके बाद ऐसी तरी, तरीके से काफ़ी सारे इन्होंने डिवीजन कर रखा है अब इसको यहाँ पर इस टेबल के चार फॉर्म में दिखा रखा है जैसे टेबल आई आई ए से लेके टेबल आई के तक है यहाँ पे पूरा स्पेशल ऑगजलरी टेबल जो है इसमें देखिए स्पेशल ऑगजलरी टेबल आर माइनस वन माइनस नाइन यहाँ पे जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन या पॉइंट जीरो नाइन इस तरीके से जो है आर लिमिटेड इन देयर स्कोप इच सीरीज इज यूज टू डिनोट जो रिकरेंट जो कॉन्सेप्ट है इन पार्ट्स ऑफ द मेन टेबल मेन टेबल में जो पॉइंट करके जो चीज़ें दिखाई जाती है उसको द स्पेशल ऑग्जरी टेबल आर यूज थ्री काइंड ऑफ नोटेशन ये तीन तरह के नोटेशन यूज़ करते हैं द हाईफन सीरीज एक हाईफन सीरीज होता है जिसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एटी नाइन हाईफन वन स्लैश हाइफन नाइन तो इसमें इंग्लिश लिटरेचर फार्म जर्नस इस तरीके से द पॉइंट उसके बाद है जो दूसरा है पॉइंट नॉट सीरीज़ उस इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे है फाइव ट्वेंटी एट जिसमें आ, आ, जिसमें इन्होंने जो कार्टोग्राफी है या फिर फार्मो आ, फार्मोग्राफी है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं इसको दिखाया है आ, उसी तरीके से इन्होंने आ, जो तीसरा है उसको भी इन्होंने यहाँ पे किया है तो, द एप्सो ट्रॉफी सीरीज़ जो है इसको उसके बाद यहाँ पे कुछ ख़ास है नहीं फिलिंग ऑर्डर ये भी आप लोग देख लेना इसको पढ़ने के हाला की हालांकि ज़रूरत है नहीं साइटिंग ऑर्डर ये भी कुछ नहीं है बस आप समझ लेना एक बार ये होता क्या है क्वालिटी ऑफ यू स्कीम ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेते हैं द यू इज़ अ एनालिट एनालिटिको सिस्ट सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम है विच इज़ पॉपुलर वर्ल्ड वाइड जो पूरे दुनिया में पॉपुलर है एंड यूज इन लाइब्रेरी म्यूजियम आर्काइव बिपलोग्राफिक डेटा बेस में यूज होता है इंफॉर्मेशन सर्विसेज में यूज होता है इंटरनेट पर यूज़ होता है इट इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड फॉर मैनी रीजन एंड क्वालिटी तो वो सारी यहाँ पर हम समराइज़ करेंगे जो यू डी सी है ये वेरी फ्लैक्सीबल इन नेचर है ये इम्पोर्टेंट है ये आ सकता है एग्जाम में फिर है द यू डी सी लाइक डी डी सी हैज़ बीन पब्लिश इन कम्प्लीट मीडियम एंड एवरेजड जो है वेब फॉर्मेट में इसको मतलब पब्लिश किया गया है जो यूज़ किया जाता है लाइब्रेरी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग द यू डी यू डी सी परफॉर्म वेल टू एप्लीकेशन इन अदर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट वो उनके साथ मतलब अच्छे से परफॉर्म करता है इट्स नोट नोटेशन जो ओवरकम करता है लैंग्वेज वेरियर को फिर उसके बाद यहाँ पे ड्यू टू इट्स यहाँ पे वेस्टिलिटी इट कैन बी यूटिलाइज इन मल्टीपल फील्ड इंक्लूडिंग लाइब्रेरी हो गया म्यूजियम जो ऊपर हमने पढ़ा था फिर उसके बाद आता है यहाँ पे द यू जो है ये अपडेट करता है रेगुलर अपने जो भी सब्जेक्ट है इन आइडियाज को और जो भी आते रहते हैं उन सब चीज़ों को द कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट इज ऑल्सो पॉसिबल इन यू डी में कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस जो होता है सब्जेक्ट का वो भी यहाँ पे करा जा सकता है इट इज ईजियर टू मैनिपुलेट द यू डी सी टू एकोमोडेट एडवांस इन नॉलेज बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्कोप वर्क क्रिएटिंग न्यू सिंथेथिक नंबर ड्यू टू इट्स जो एवरीवेशन नेचर है द वो कैबलरी इट इज इजी अपडेट एंड एनेबल वर्ल्ड वाइड जो स्टैंडर्ड जो इंडेक्सिंग है उसमें विद इन द यू डी सी मैनी कॉन्सेप्ट रियलिटी वो रियलिटी के मतलब रियल दिखने लगता है जो नहीं भी होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन एंड एंड सो इमिजिएटली एक्सप्रेस तो उसको हम जल्दी से जल्दी एक्सप्रेस कर सकते हैं ड्यू टू यू डी यू डी सी इनक्रीज इनक्रीजिबली फ्लैक्सीबल कैरेक्टर इज़ प्रोवाइडेड इंटरफेस जो कि कंप्यूटर में आप देख सकते हैं द यू डी सी यू डी सी सी जो मेंटेन करता है मास्टर रेफरल फाइल इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर एंड अपडेट एट रेगुलर इंटरवल और अपने आप को रेगुलर इंटरवल पे अपडेट भी करता रहता है तो ये पूरा था यू डी सी और डी डी सी के बारे में अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम कवर करेंगे एल सी सी डेट इस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम को तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद